अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान टेक्सा चैनल के साथ, और आज हम रिव्यू करने वाले हैं मोस्ट स्टनिंग डिवाइस रेडमी नोट 10 का। पिछले 8 से 10 महीनों से ये डिवाइस मेरी डेली ड्राइवर रही है। इसके अंदर मैंने शूटिंग, वीडियो गेमिंग, स्ट्रीमिंग सब कुछ किया है, तो उसके अबाउट मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ। इंडिया के अंदर तो ये डिवाइस बेस्ट सेलिंग है, पर पाकिस्तान के अंदर अभी तक ये बेस्ट सेलिंग डिवाइस नहीं है। मेरा जो पास का एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपसे वो शेयर करूंगा कि इसकी कैमरा परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस गेमिंग परफॉर्मेंस, डिस्प्ले डिजाइन कैसा है, वो सारी बातें मैं आपसे आज शेयर करूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप देख सकते हैं ये ग्रोइंग चैनल है, न्यू चैनल है, तो काइंडली इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दें ताकि मैं आगे भी वीडियो ला। अब हम बात करते हैं इसके डिजाइन की। इसका डिजाइन काफी ज्यादा मुझे पसंद आया था, और इसकी लुक की वजह से मैंने इसको परचेज किया था, खास उसकी बैक लुक की वजह से। और फ्रंट पे इसके डिजाइन में आप जो चीज सबसे पहले नोट करेंगे वो इसका पंच होल कैमरा, जो कि काफी अच्छे साइज में है, और इसके साइड्स के बेजल्स काफी ज्यादा नॉमिनल से हैं, खास तौर पर टॉप के और साइड्स में। और जो नीचे के चिन है वो थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा मुझे हेल्दी लगी है। साइड्स की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है, और राइट साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स और एक लॉक बटन मिल जाता है। और लॉक बटन ही इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि काफी ज्यादा फास्ट और सिक्योर है। नीचे की बात करेंगे तो नीचे आपको एक यूएसबी टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, जो कि 33 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, स्पीकर ग्रिल, एक माइक्रो माइक और एक आपको हेडफोन जैक मिल जाता है 3.5 mm का। और ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर आपको एक और स्पीकर ग्रिल और टॉप आपको मिल जाता है एक आईआर ब्लास्टर, जो कि आपको टीवी और एसी वगैरह के रिमोट्स की जगह गुम हो जाए तो काम आता है, जो कि मैंने इतने सारे महीनों में बहुत कम ही यूज किया, खासकर अपनी क्लास में प्रोजेक्टर्स बंद करने के काम मुझे आया है ये काफी। अब बैक की बात कर लेते हैं तो बैक मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगी है इसकी, खास कर इसका लैग ग्रीन कलर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक लगता है, और इसका कैमरा कट आउट भी काफी ज्यादा डिसेंट सा है। और पर जो सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके बैक में वो है, क्योंकि प्लास्टिक बैक है तो इसमें फिंगरप्रिंट बहुत ही आसानी से कैच हो जाते हैं। इसके बैक पे जो है फिंगरप्रिंट आसानी से कैच हो जाते हैं, प्लास्टिक बैक है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अनॉय करते हैं। और इसके अलावा इसका कैमरा कटआउट भी काफी अच्छा और डिसेंट है, और ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं ये कोई 3D कैमरा नहीं है, बल्कि सिर्फ ऐसे ही फ्लैश नीचे ब्लैक कलर इन्होंने दिया हुआ है जस्ट शो ऑफ के लिए। और पीछे आपको 4 कैमरा मिल जाते हैं, मैक्रो, अल्ट्रा वाइड, डेप्थ और नॉर्मल मेन लेंस। उसके अलावा रेडमी की ब्रांडिंग है, और ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं ये कोई 3D कैमरा नहीं है, बल्कि सिर्फ ऐसे ही फ्लैश नीचे ब्लैक कलर इन्होंने दिया हुआ है जस्ट शो ऑफ के लिए। और पीछे आपको 4 कैमरा मिल जाते हैं, मैक्रो, अल्ट्रा वाइड, डेप्थ और नॉर्मल मेन लेंस। और इसके डिजाइन में जो स्पीकर की लोकेशन है मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, क्योंकि एक जो है स्पीकर ऊपर की साइड है और नीचे की साइड है, जब आप कोई गेम प्ले करते हैं या वीडियो देखते हैं तो अगर आपके हाथ से ये स्पीकर एक साइड का अगर बंद होता है, ब्लॉक होता है, तो दूसरे स्पीकर से आपको क्लियरली आवाज सुनाई दे सकती है, जो कि किसी तरह से ऑडियो में रिस्ट्रिक्शन आने से आपको बचाती है। इस तरह भी अगर आप करें तो अगर ये साइड आपकी ब्लॉक हो रहा है स्पीकर, तो इस साइड से आपको आवाज आती रहेगी। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा बैलेंस लगी। इसके अंदर 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर लगाया गया है 720 स्नैपड्रैगन के साथ। इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफी ज्यादा स्मूथ लगी डे टू डे यूज में। लेकिन रेडमी के अबाउट ये सुना हुआ है और ये कहा जाता है कि ये लैग करता है, हैंग होता है, जबकि इतना अर्से मैंने यूज किया मुझे कोई ऐसी हैंग होने की या लैग करने की कोई प्रॉब्लम खास नजर नहीं आई। हाँ, अभी जब लास्ट टाइम मैंने इसको अपडेट किया था उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर लैग कर रहे थे इसमें, वो रिस्पॉन्डिंग स्टॉप हो जाते हैं ऑटोमेटिक, वो वाली प्रॉब्लम इसमें देखने में आई, मुझे फेस करना पड़ा। लेकिन उम्मीद है कि अभी जो रिसेंट दोबारा अपडेट आई हुई है उसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई बड़ा लैग, बड़ा हैंग मुझे इतना ज्यादा फेस नहीं किया, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये लैग कर जाता था, लेकिन बहुत नॉमिनल सा, निग्लिजिबल टाइम जितना, या आप कह सकते हैं निग्लिजिबल। उसके बाद सॉफ्ट परफॉर्मेंस के साथ मैं बात करूंगा इसमें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर शाओमी के जो मी यूआई है वो काफी ज्यादा इनरिच है एनिमेशन से, और जब आपको इसको यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल कॉपी लगेगा ये बिल्कुल एप्पल के आईओएस जैसा। खास तौर पर इसका जो कंट्रोल पैनल है, नोटिफिकेशन बार है, ये ऑलमोस्ट कॉपी है iOS 14 और 15 की। पर इसका सॉफ्टवेयर ऑलमोस्ट अच्छा एक्सपीरियंस आपको देगा, काफी स्मूथ, फ्लॉलेस सा एनिमेशन से भरा हुआ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन जो मुझे सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है सॉफ्टवेयर इस मोबाइल के अंदर वो है इसका डार्क मोड। इसका जो डार्क मोड मोड है वो सब एप्लीकेशन में वर्क नहीं करता।
अभी रिसेंटली जब मैंने यूज किया था तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा था, जब भी मैं डार्क मोड ऑन करता था तो खास भी स्नैपचैट मेरा वो बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करता था। उसके जो नेम्स वगैरह थे चैट के वो सब इनविजिबल हो जाते थे और वो ब्लैक भी नहीं हो रहा था, उसका थीम डार्क नहीं होता था। और दूसरा कुछ बैंकिंग थी, बैंकिंग एप्लीकेशन थी और एक दो जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन थी शाओमी के अलावा, उनमें अच्छे से वर्क नहीं करता। लेकिन अब जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है उसके बाद जो डार्क मोड है वो तो वैसे ही वर्क कर रहा है, लेकिन स्नैपचैट में जो थोड़ा बहुत वर्क करता था वो भी अब नहीं कर रहा है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी काफी अच्छा बैकअप दे देती है। लाइक इसकी जो स्क्रीन टाइमिंग है ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर आराम से होता है, इवन की एमोलेड स्क्रीन है। और इसकी बैटरी कैपेसिटी 4500 mAh है, और डे टू डे यूज में, नॉर्मल यूज में आपको 1.5 डे का इजिली बैकअप प्रोवाइड कर देती है। और इसकी जो मुझे खास बात अच्छी लगती है बैटरी के अबाउट, वो है मुझे इसकी चार्जिंग स्पीड, क्योंकि 33 वॉट चार्जर के साथ आता है मोबाइल, तो जो इसकी चार्जिंग टाइम है वो अराउंड 65 to 75 मिनट्स है, जो कि प्रिटी मच फास्ट। सो आप बहुत फौरन से चार्ज करते हैं और आप 1 से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन आराम से इसको साथ आप चला सकते। अब बात करते हैं इसकी मेन हाईलाइट की, जो कि है इसका कैमरा। और कैमरा की क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा बैलेंस, सेटिस्फाइंग और प्रिटी गुड लगी एज कम्पेयर टू इस प्राइस रेंज, क्योंकि इस प्राइस रेंज में जो कैमरा क्वालिटी हमें अब देखने को मिल रही है उससे थोड़ा सा मुझे बेहतर लगा। इसकी जो सबसे पहले बात करते हैं इसके फोटो क्वालिटी की, जो इसकी मेन लेंस से फोटो होती है निकल के आती है नॉर्मल, इसके मेन लेंस से जो फोटो हमें मिलती है उसके मुझे कलर थोड़े से डिम और थोड़े से ऑफ लगते हैं। मतलब जब भी आप इसके फोटो लेंगे तो मुझे ऐसा लगता था पर्सनली कि इसके कलर थोड़े से डिम डिम है, और लो लाइट में इज एवरेज क्वालिटी, डे लाइट में काफी ज्यादा अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी मिल जाती है इसके मेन कैमरा से। अब बात करते हैं इसकी अल्ट्रा वाइड की, तो अल्ट्रा वाइड की जो फोटो है वो भी अच्छी है, लेकिन लो लाइट में सेम उसकी क्वालिटी इतनी अप टू द मार्क नहीं है, बट डे लाइट में काफी अच्छी, खासतौर पे स्काई व्यू आप लेना चाह रहे हैं या कुछ किसी बिल्डिंग का लेना चाह रहे हैं डे लाइट में आउटसाइड से, तो वो काफी ज्यादा अच्छी आपको पिक्चर निकाल के देगा। और अगर उसी में हम अल्ट्रा वाइड की वीडियो की बात करते हैं तो वो भी बेहतर है। और मैक्रो लेंस की बात करते हैं तो मैक्रो लेंस की क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी ज्यादा नहीं लगी, एवरेज क्वालिटी है उसके। और मैक्रो शॉट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैक्रो शॉट्स हैं और इसकी क्वालिटी मुझे कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं आई। अब बात करते हैं इसकी वीडियोग्राफी की, तो वीडियोग्राफी जो है ये आपको 4K रेजोल्यूशन तक प्रोवाइड करती है, पर सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस कैमरे का है जिससे मैं इसको थोड़ा सा मतलब डिसलाइक किया मैंने इस फोन के कैमरा को, वो इसकी स्टेबिलाईजेशन। इसके अंदर कोई भी ऑप्टिकल स्टेबिलाईजेशन मौजूद नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाईजेशन मौजूद है जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, तो वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और आपको वीडियो बनाते हुए आपको शेकिंग आपको नजर आती है, जो कि वीडियो क्वालिटी को डम करती है एक्चुअली। तो अगर आप नॉर्मल वीडियो बनाना चाहते हैं या इतना ही वीडियोग्राफ का यूज नहीं करना चाहते तो आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी लो लाइट की, तो इसकी लो लाइट में जो कैमरा परफॉर्मेंस है वो एवरेज है। आप इसको जब नाइट मोड यूज करते हैं तो इसमें जो OIS है आपका वो नहीं है, तो इसलिए जब आप इसका नाइट मोड यूज करते हैं या प्रो वर्जन में किसी डार्क एरिया की आप पिक्चर लेना चाहते हैं तो वो बहुत ज्यादा हिलने के बाद ब्लर सी हो जाती है। तो कुछ सैंपल्स में दिखाता हूँ आपको फोटोज के, जो आउटसाइड लिए गए हैं और इनसाइड इंडोर लाइट में भी लिए गए हैं, और ये डे लाइट का मैं दिखा चुका हूँ और ये लो लाइट के फोटोज हैं कुछ जो कि बस सही है। और ये पोर्ट्रेट में आप देख सकते हैं जिसकी एज डिटेक्शन है ये इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मेरे बाल थोड़े से ब्लर हो रहे हैं, और जो ब्लर है पीछे का वो भी नेचुरल ब्लर आपको फील नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा आपको वो सॉफ्टवेयर बेस्ड फीलिंग आएंगी। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट कैमरा का डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट हो सकता है इस फोन में जो कि आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दे, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे, ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इसके कलर्स काफी डिम है और जो डिटेल है वो अप टू द मार्क नहीं है इसकी प्राइस रेंज में, क्योंकि इस प्राइस रेंज में वीवो आपको इससे काफी ज्यादा बेहतर और आपको इसे काफी ज्यादा बेहतर सेल्फी कैमरा प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब बात करें इस कैमरा के स्लो मोशन की, तो स्लो मोशन इस कैमरा का अच्छा है,
डे लाइट में काफी अच्छा वर्क करता है, और लो लाइट में तो ऑलमोस्ट ना वर्क करने के बराबर है। इसका सैंपल मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये इसका स्लो मोशन है, और अगर ब्राइट लाइट है जिस तरह के इस वीडियो में है, तो ये आपको काफी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा।